हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग के ओ लेवल के एग्जाम, जो आपके थ्योरी एग्जाम थे, वो आप लोगों के पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब थ्योरी एग्जाम के बाद अब बात आती है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की, अभी तक उसकी ऐसा कोई पोस्टपोन्ड वाली डेट नहीं आई है। जैसे कि नेलेट के द्वारा बताया गया है कि जो आपके प्रैक्टिकल है वो 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात तो ये बताऊंगा सबसे पहले कि प्रैक्टिकल की आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि अब प्रैक्टिकल की बारी है, फिर थ्योरी एग्जाम के आप लोगों की डेट, आप लोगों को 19 अगस्त लेके 26 अगस्त के बीच में आप लोगों के थ्योरी के एग्जाम होंगे, वो वाली डेट आप लोगों की आ चुकी है। अब उसके बीच में कब होंगे, ये वाली जो भी न्यू डेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ओके। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे हम लोगों का जो पूरा, आप लोगों को पता ही है कि हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आप लोगों की पूरी तैयारी करवाई जा रही थी, लगातार तैयारी करवाई गई है आप लोगों के M3 M4 की। हमारी लगभग 1000+ MCQ में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका था, ठीक है। तो जिन लोगों की क्या है, तैयारी नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए तो एक बेनिफिट हो गया है कि उन लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल गया है, तो वो अब अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बट जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो गई थी, तो उन लोगों को भी यह है कि अब रिविजन का टाइम मिल जाएगा, तो कि अपने 19 अगस्त से एग्जाम रहेंगे। कैसे करनी है तैयारी, जैसे कि जिनों की थ्योरी की तैयारी नहीं है वो मैं करवाऊंगा, और जिनकी थ्योरी के प्रैक्टिकल की तैयारी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी हमारी प्रैक्टिकल को है, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले थ्योरी बाद में। अभी तक क्या होता था, थ्योरी पहले होते थे फिर प्रैक्टिकल। जैसे कि आप लोग के एग्जाम थे, M1 आपका 8 जुलाई को था, M2 आपका 9 जुलाई को था, 10 को आपका M3 था, और 11 को आपका किसका था, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम होने वाला था। लेकिन अब आप बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इस बार आपके 31 से 11 जुलाई में आपके पहले प्रैक्टिकल होंगे, उसके बाद आप लोगों के क्या स्टार्ट होंगे, हमारे थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होंगे। पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल की तैयारी की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल पर एक नई सीरीज आने वाली है आप लोगों के लिए। 15 जुलाई से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है ओ लेवल गुरुजी चैनल पर, ठीक है, जिस पे आप लोगों को यहाँ पर 15 जुलाई से जो स्टार्ट होगा, यहाँ तो आप लोगों का 15 जुलाई से टारगेट ये है। जैसे कि आज आप लोगों को पता है 7 जुलाई है, तो इसकी सीरीज की शुरुआत आप लोगों की, अगर देखा जाए प्रैक्टिकल की सीरीज की बात करें, तो प्रैक्टिकल की सीरीज की शुरुआत आप लोगों की 10 जुलाई से होने वाली है, ठीक है। 10 जुलाई से आपकी प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट होगी, इससे आपकी कंटिन्यू कब तक चलेगी, जब तक आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो जो 10 जुलाई से हमारी प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको ओ लेवल गुरुजी चैनल पर सारे मॉड्यूल की तैयारी कराई जाएगी, M1 M2 M3 और M4, जितने भी प्रैक्टिकल के MCQ, प्रैक्टिकल में पहली बात तो MCQ नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी पूरी तैयारी हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग की जाएगी 10 जुलाई से, जो 10 जुलाई को पहला हमारा चलेगा यहाँ पे, वो हमारा M3 का स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले हम M3 की तैयारी करवाएंगे और फिर हम लोग M4 की तैयारी आप लोगों की करवाएंगे। तो 10 जुलाई में आप लोगों को पहले M3 और M4 की प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, जो भी होगा स्टार्ट आपको कम्युनिटी टैब पे बता दिया जाएगा, लेकिन 10 जुलाई से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। न्यू जो सीरीज अपनी, न्यू सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, न्यू सीरीज हमारी 10 जुलाई से, न्यू सीरीज इसमें आप लोग 10 जुलाई से तैयारी करना, मैं आपकी स्टार्ट करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जो पहले स्टार्ट करवा रहा हूं वो मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों का, M3 और M4। क्यों मैं M3 और M4 करवा रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, वो मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूं क्यों मैं M3 M4 की पहले करवा रहा हूं। तो 10 जुलाई को आप लोगों का जो क्लास का अपलोडिंग का टाइम रहेगा वो हमारा 6:30 रहेगा, आपका किसका 6:30 हमारा पाइथन का रहेगा, और जो आप लोग का 8 o'clock जो कि आपका नॉर्मल चल रहा था 8 PM, ठीक है, रात में 8 बजे आप लोगों को मिलेगी प्रैक्टिकल, ये हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग की प्रैक्टिकल की जो क्लासेस हैं वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। पहली क्लास आप लोग को M3 की मिलेगी और दूसरी क्लास आप लोग को 8 बजे M4 की मिलेगी, ठीक है। हालांकि पहले पाइथन की क्लास आप लोग को अपलोड करके मैं दूंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। M1 और M2 की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने क्यों बोला इसके लिए, क्यों स्किप किया है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आना है, ठीक है। यहाँ YouTube सर्च करना है, YouTube सर्च करने के बाद आपको हमारे चैनल ओ लेवल गुरुजी पर विजिट करना है। इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि सर M1 M2 की पहले करवा दीजिए, तो उनके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि हमारे चैनल पे जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमने जब प्रैक्टिकल की तैयारी कराई थी, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी M1 और M2 की प्रैक्टिकल की क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पर YouTube सर्च करना है, YouTube सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल सर्च करना है हमारा ओ लेवल गुरुजी। जैसे आप यहाँ पर ओ लेवल गुरुजी सर्च करेंगे, इसके बाद आपको ओ लेवल गुरुजी पे चैनल पर विजिट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बनी है प्लेलिस्ट, ठीक है। और आपको पता ही है ओ लेवल गुरुजी चैनल स्पेशल ओ लेवल के लिए है, यूट्यूब पे अदर चैनल पे सब पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ ओ लेवल पे ज्यादा फोकस होता है हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल, ठीक है, ओ लेवल M1 प्रैक्टिकल क्लासेस, बस आपको यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि अभी बात प्रैक्टिकल की हो रही है, इसलिए प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो ओ लेवल M1 प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट पे आइए, ये देखिए ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम सारी क्लासेस की यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है,
आपको जो भी प्लेलिस्ट देखना है सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले ही बना दी है M1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लेलिस्ट पे आना है, और प्लेलिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट हमारे पास ये बनी हुई है। अब देखिए, कुछ लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे सामने हिंदी में लिखा आता है, इंग्लिश में लिखा आता है, तो देखिए उसके लिए CC ऑप्शन होता है, ये मोबाइल में भी जब आप देखोगे तो भी आएगा, तो उस पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो जो यहाँ पे लिख के आता है, जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। जब भी हम CC ऑन करेंगे तो लिख के आएगा, ठीक है, तो उसको क्या कर देना, आप ऑफ कर देना। प्रैक्टिकल देखिए मैंने इसमें बताया भी था प्रैक्टिकल का पेपर कैसा आता है, तो देखिए पेपर के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको पेपर में। लेकिन देखिए मैं पहले ऑलरेडी M1 वालों के लिए बता रहा हूँ कि सब कुछ हमने बता दिया, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता, 80 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे, 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कुछ आपको इसी तरह से मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का पेपर आपको इस तरह से मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपके, ठीक है, और इसमें लिखने के लिए भी आपको मिलेगा। एग्जामिनर 40 मार्क्स, 40 मार्क्स ऑब्जर्वर के रहेंगे। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिस वीडियो को मैंने प्ले किया इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ वीडियो को, फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आता है ये भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पे, 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आ गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया, आप लोग इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोगों को और बेनिफिट मिलेगा। तो M1 वाले, तभी मैंने बताया कि पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ M3 और M4 का, क्योंकि M1 की हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस कुछ क्लासेस में आपको मिल जाएंगी, अभी फिर से स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होगी, फिर से स्टार्टअप होंगी हमारी क्लासेस। तो M1 का आपको देखना है, यहाँ से देख लीजिए, ओ लेवल M2 के प्रैक्टिकल जिनको भी देना है तो ओ लेवल M2 के प्रैक्टिकल आप लोग यहां से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पूरी प्रैक्टिकल की यहाँ सीरीज बनी रखी है, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, क्योंकि ये पूरी हमारी सीरीज है। इस सीरीज में मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल के बारे में शेयर किया है, कैसे प्रैक्टिकल करना, क्या करना है, एक एक फाइल, एक एक कोडिंग मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई है, ठीक है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको चेकआउट कर लीजिए, देखिए कितने अच्छे, ज्यादा व्यूज भी बहुत अच्छे रहे हैं, और आप खुद देखेंगे काफी स्टूडेंट कितने हैप्पी है, सब कुछ वही आया था जो हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर पढ़ाया गया। तो प्रैक्टिकल के तो डिक्टो क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वही आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा कि यहां से आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि सारे अगर आप लोग ये वीडियो भी देख लेते हैं तो भी आप लोग का एक भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग यहां से देख लीजिए, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। इसके अलावा M1 प्रैक्टिकल क्लासेस, M2 प्रैक्टिकल क्लासेस। अब बात आती है जिन लोगों ने अभी तक चैनल जो हमारे थ्योरी एग्जाम उनकी तैयारी नहीं की है, तो आप यहां देख लीजिए M1 R5 MCQ जुलाई 2023 ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, M4 R5 MCQ जुलाई 2023, ठीक है। इसमें हमारे 16 वीडियो है, ठीक है। अभी M1 की हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, ओ लेवल के वहां पे नेलेट की तरफ से अपडेट आ गया है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, इस वजह से हमने इसकी सीरीज को अभी रोक के रखा है, ये आपको अगस्त में कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जिसको M4 R5 की तैयारी करना है वो M4 की तैयारी करें, जिसमें हमारे अभी तक 16 वीडियो अपलोड होगा, 16 वीडियो अपलोड करने का मतलब है कि 800 से 900 MCQ हम आपके अगस्त एग्जाम के लिए अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि आप लोगों को पाइथन की तैयारी करना है, तो पाइथन में 20 वीडियो है, 20 वीडियो किसके लिए, आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए, जो आप लोगों के 19 अगस्त से एग्जाम हो रहा है उसके लिए हमने यहाँ पे 20 वीडियो में आप लोग ये मान लीजिए कि यहाँ 1000 प्लस MCQ हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको आना है, आने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ भी पूरी हमने सीरीज बनाई है, ठीक है। जो भी आपको MCQ वाली सीरीज देखिए, लाइन बाय लाइन पूरी सीरीज पुराने पेपर को सॉल्व करवाया गया है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कोई भी आप सीरीज ओपन करेंगे, हर एक सीरीज में हमारा बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे MCQ वगैरह परचेज करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लोग MCQ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग MCQ भी परचेज कर सकते हैं, जो कि काफी, एक नहीं, एक दो चार नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारा कंटेंट परचेज किया है और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है और काफी अच्छा कंटेंट है हमारा, तो आप लोग MCQ वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस चल रहा है वो हमारा ये रहा प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अगर M1 के लेते हैं तो M1 का 249 रुपीज है, M2 का 299 रुपीज है, M3 के 499 रुपीज में आपको MCQ मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1000 प्लस तो MCQ मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे 499 रुपीज के नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। और कॉम्बो में लेंगे तो 499 रुपीज में आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, M1 और M2 दोनों के मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज अगर आप PDF चाहते हैं पाइथन की, ओनली 199 रुपीज में, इसमें आपको 500 प्लस MCQ मिलेंगे,
और अगर आप बात करें, सॉरी, इसमें आपको एमसीक्यू बढ़ा दिए गए हैं, इसमें आपको लगभग 800 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे M4 की बात की जाए तो M4 में आप लोगों के जो एमसीक्यूज रहेंगे वो आप लोगों को 7 सेट पेपर हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें 800 एमसीक्यू रहेंगे। और अभी इसका रेट हमने वही का वही रखा हुआ है 349 रुपीज। अगर आप परचेस करना चाहें तो परचेस अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कहां से आपको तैयारी करनी है, थ्योरी प्रैक्टिकल की, यहां मैंने बता दिया। बाकी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो तो प्रैक्टिकल हमें कंप्लीट स्टार्ट करना ही है। तो जिसको M1 की तैयारी करनी है M1 की करे, M2 की प्रैक्टिकल की करनी है M2 की प्रैक्टिकल करे। सारी सीरीज हमारी बनी रखी है, सबसे अच्छी बात क्या, सारी सीरीज। अगर आपने अभी तक पाइथन पढ़ा नहीं है फिर भी आप चाह रहे कि हमें पाइथन पढ़ के तैयारी करनी है, तो ये रही हमारी पाइथन की क्लासेस जिसमें हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट है, ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल, ये हो गया ओ लेवल M3। ओ लेवल M3 देखेंगे 54 वीडियो, ठीक है, 54 वीडियो हमने पाइथन के लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं डीपील को डिटेल में, तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है डिटेल में कि कैसे कि आपको यहां पे थ्योरी की तैयारी कैसे करनी, प्रैक्टिकल की कैसे करनी। प्रैक्टिकल की तैयारी तो 10 जुलाई से हम स्टार्ट करवाने वाले हैं आप लोगों की, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम पूरा पहले तो M3 की स्टार्ट करेंगे और फिर M4 की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जिनको अभी मैंने बताया था M1 और M2 आप लोग देख सकते हैं, चैनल के मैंने प्लेलिस्ट बता दिया, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जैसे हमारे M3 और M4 का हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लगभग 20 जुलाई के बाद M1 और M2 की तैयारी, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चारों मॉड्यूल की तैयारी यहां प्रैक्टिकल की बहुत ही डिटेल में कराई जाएगी। आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लेंगे कि स्टूडेंट का कितना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही आए थे ओ लेवल गुरुजी चैनल से जो हमने पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं, बात हो गई प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें, बता दिए कब से शुरू होंगी प्रैक्टिकल क्लास, बता दिया है 10 जुलाई से M3 से स्टार्ट हुई, सिलेबस क्या है और कितने प्रश्न आएंगे। देखिए सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस वही है जो हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, अपने क्लासेस में रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया है, सिलेबस वही है और उसी में से सिलेबस में से आएगा। और आप लोगों को तीन क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो तीन क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, बाकी दो क्वेश्चन आपके 25-25 के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके इक्वल कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए, प्लस आप लोगों का 20 मार्क्स का जो होता है वो बायबा होता है, ठीक है। बायबा में वही होता है जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसमें बायबा रहेगा, तो आपको तीन क्वेश्चंस आएंगे, तीन क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को लिखने के बाद फिर आप जब कॉपी सबमिट कर देते हैं तो कॉपी सबमिट करने के बाद फिर आप लोगों को बायबा आप लोगों का लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पेपर की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैं दिखा देता हूं आप लोग, इस तरह से पेपर आता है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका ऐसे ओ लेवल है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे लगा राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओ लेवल स्पेस प्रोवाइड ऑन द टॉप, ऑल द 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी, इन केस क्वेश्चन नंबर 3 कैंडिडेट मस्ट अटेम द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनर, सिग्नेचर, 40 मार्क्स एग्जामिनर ऑब्जर्वर, ठीक है। ये टोटल आपका रहेगा 20 मार्क्स आपके बायबा की, तो 40-40-80 हो जाएगा, और इसका 20 मार्क्स का बायबा मतलब 100 मार्क्स का आपका रहेगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से मिलता है। अब तो हो सकता है आप लोगों को A4 पेज भी दिया जाए, ठीक है, अगर इस तरह से नहीं हो तो A4 पेज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्रिएट अ वर्कशीट स्टोर्ड इन द सेव विद द फाइल, तो इस तरह से यहाँ पे एक वर्कशीट मिली है। अब इसमें लिखा गया मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है, इसको मर्ज एंड सेंटर करो एंड अप्लाई द सेल स्टाइल टू एसेंड टू, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की जब मैं क्लासेस स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपको ये सब चीजें करके दिखाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिर मेक कॉलम बोल्ड, ठीक है, कॉलम को हमें बोल्ड करना है, फिर जाके डिपार्टमेंट वाइज का करना है, फिल्टर वगैरह करना है, तो पूरा एक क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर और प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब ये जो आप पेज देख रहे हैं ब्लैंक, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि कॉपी कैसे लिखनी है, ये है ना, कॉपी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देते हैं, ठीक है। प्रश्न के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये आपके इस तरह से एग्जाम आते हैं और यहीं पे आपको बस लिखना है। सबसे पहले आप जो भी करना, देखो कॉपी लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मतलब सीधा सीधी बात होती है कि आप जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी कर रहे थे, आपने सबसे पहले क्लिक किया, फिर जाके आपने टेबल क्रिएट की, बस वही सारे स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। स्टेप आपको बस राइट करते जाना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है, आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। फर्स्टली आपने क्या किया, सबसे पहले इस डेटा को एंटर किया, डेटा को एंटर करने का जैसे फर्स्ट लिखा मर्ज एंड सेंटर, फिर बताना आपने मर्ज एंड सेंटर को अप्लाई किया, फिर आपने क्या किया बोल्ड किया, देन अप्लाई द स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हुए हैं M1 में, आप देख लीजिएगा मैंने कैसे पूरे स्टेप बाय बताया।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका फिर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसके अलावा ये लिखा राइट एन HTML टू क्रिएट अ सबक्लास, ये मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, तीन क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका रहेगा 30 नंबर का, बाकी दो क्वेश्चन आप लोग रहते हैं 25-25 नंबर के, ठीक है। तीनों को आपको स्टेप बाय लिखना है। एक मैं आपकी वेबसाइट पे मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट पे मैंने बताया हुआ है कैसे हमने स्टेप बाय लिखना है, तो आप वेबसाइट पे आ जाइएगा, हमारी वेबसाइट है जो careersknowledge.in, इस वेबसाइट पे आप आइए। जैसे इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, इसमें मैंने बताया है कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर आप लोगों को ओ लेवल सेक्शन पे आना है। जैसे आप यहाँ पे ओ लेवल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ओ लेवल पे जंप कर जाएंगे, ओके। तो आप लोगों को मैंने इतना तो बता ही दिया है कि आपको प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, ओ लेवल गुरुजी से करनी है। कब से शुरू हो रही है प्रैक्टिकल क्लास? 10 जुलाई से शुरू हो रही है। सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में अपने ओ लेवल में करा हुआ है। वो पाइथन से भी वही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे लिस्ट अपर डिक्शनरी तैयार करनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रश्न कहां से मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाली बात आती है कि अगर आप लोग हमसे परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो परचेस करने के लिए आप लोग हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल से आप लोग हमसे परचेस कर सकते हैं पूरा कॉन्टेंट, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007253350, इस पे आप क्या करिए, व्हाट्सएप करिए, और यहाँ पे आप पूछ लीजिए कितना कंटेंट किसका है। अगर आप M1 प्रैक्टिकल का कंटेंट खरीदना चाहते हैं तो M1 प्रैक्टिकल का पूरा, मतलब आप ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस रहेंगे लगभग हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तीन क्वेश्चन आने हैं लेकिन हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं आपको 30 क्वेश्चंस, ठीक है। जो हम 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, इसका जो चार्ज है वो हमारा 299 रुपीज रहेगा, ठीक है। बहुत ही कम चार्ज है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 30 में से 3 क्वेश्चन तो आसानी से आप लोगों के आ ही जाएंगे, क्योंकि हम सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा बात आती है, अगर आप हमसे M2 का कंटेंट लेंगे तो M2 के कंटेंट में देखिए क्या है, प्रैक्टिकल बहुत होता है, तो लगभग आप इसका रेट मानिए, इसका रेट आप लोगों का रहेगा 399 रुपीज, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोडिंग बहुत ज्यादा आप लोगों को पूरी कोडिंग लिख के देंगे, जैसे भी जैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात आ गई आपकी M3 की, तो M3 भी बहुत हाई लेवल का हम आपको देने वाले हैं, तो M3 का जो प्राइस रहेगा वो हमारा रहेगा 449 रुपीज, और यहाँ पे जब अगर आपको M4 के प्रैक्टिकल का कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो M4 का प्रैक्टिकल जो कि सबसे टफ प्रैक्टिकल है, इसमें हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, जिसका प्राइस रहेगा 599 रुपीज। सारे यहाँ पे आपको भी, यहाँ पर भी लगभग आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे प्रैक्टिकल के, लगभग इसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ 25 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि जितने हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, ओ लेवल गुरुजी से आप लोग जल्द से परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का पेमेंट आता है, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात आती है कि आप लोग अगर एक साथ लेते हैं तो आप लोगों को क्या बेनिफिट है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग अगर एक एक करके खरीदेंगे तो आप लोगों को कितने का पड़ेगा कॉन्टेंट, 299 रुपीज, 399 रुपीज, 449 रुपीज और 599 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 1746 रुपए के पड़ेंगे, ठीक है। कल भी हमसे दो लोगों ने परचेस कर लिए, लेकिन उन्होंने एक साथ हमसे 3 मॉड्यूल के परचेस किए, तो उन्हें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो डिस्काउंट में वो काफी अच्छा डिस्काउंट मिला है। अगर आप लोग भी 2 या 3 परचेस करते हैं, कॉम्बो में परचेस करते हैं, तो डिस्काउंट आप लोगों को भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको 4 मॉड्यूल परचेस करने हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को 4 मॉड्यूल के यहाँ पे हमारी तरफ से जो प्रोवाइड किए जाएंगे टोटल, ठीक है, तो टोटल आप लोगों के लिए सिंपल से सबसे जो रहेगा वो 1199 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अगर आप 3 मॉड्यूल को परचेस करते हैं, कोई भी 3 मॉड्यूल अगर आप परचेस करते हैं, जैसे M1, M2 या M4, तो आप लोगों का जो प्राइस रहेगा वो 1149 रुपए रहेगा, ठीक है, अगर आप 3 मॉड्यूल को परचेस करते हैं इस तरह से। और अगर आप 2 का परचेस करते हैं तो उसको आप बाकी जो भी रहेगा आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का कहां से हमें यहां से परचेस वगैरह आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। पेपर आप लोगों के सामने इस तरह से पेपर आता है और कैसे लिखना है, अब मैं इसमें आपको बता देता हूं। यहां पर आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, सबसे नीचे आ जाइएगा, तो यहां पर मैंने ये भी बताया कॉपी वगैरह आपको कैसे लिखनी है। तो वेबसाइट पे आने के बाद बस आपको मैंने पहले बताया कि हमें कुछ यहाँ पर हटने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग करते हैं बस वही चीज हम लोग को क्या है यहाँ पे, वही चीजें हम लोग को क्या कर देनी है, बस लिख देनी है। स्टेप 1 में क्या किया, ओपन किया लिब्रे ऑफिस राइटर, स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 3 में क्या किया, ये सब चीजें बस क्या होती है, लिखने की होती है, तो वो हम लोग लिखते आएंगे। अब लिखना कैसे है, इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे बताया, क्योंकि मैंने एक पेपर यहाँ पे सॉल्व करके रखा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग भी देख सके कि कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर M1 की बात करें तो चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, जस्ट क्लिक करेंगे, ये आप लोग ओपन करेंगे, सेम आपको यहाँ पे कॉपी बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद
ये आपके सामने आ गया, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से, क्रिएट अ डेटाबेस टू इन कैल्क स्प्रेडशीट कैलकुलेट द टोटल एरर। तो क्या लिखा, स्टेप वन ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क सी एंटर द फॉलोइंग डेटा। तो हमने डेटा एंटर किया। स्टेप टू क्या किया, आफ्टर एंटरिंग द डेटा अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि हमें एवरेज निकालना, तो एवरेज कैलकुलेट किया। फिर क्या किया हमने यहाँ पे, फिर सम निकाला। तो जो जो हम करते जा रहे हैं उस तरह से स्टेप बाय सम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, डू इन द टोटल मार्क्स। तो फर्स्टली ओपन द लिब्रे ऑफिस राइटर इस तरह से, ठीक है। तो मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, तो आप लोग इसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। दूसरा वाला प्रैक्टिकल देखा जाए तो दूसरे मैंने दो प्रोवाइड कराए हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी आप लोगों को लिखनी कैसी है। तो बस ऐसे ही आप लोग लिखना है, जो क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन फर्स्टली ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर, गो टू इंसर्ट शेप, ठीक है। एक छोटा सा हमें ये बनाना था तो मैंने इसमें बना के दिखाया था। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। हर एक चीज की है और मैंने इमेज भी लगाई है, तो आप यहां से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल अगर देखना है इसका मैंने कैसे किया है, तो आप यहां पर यूट्यूब चैनल पर क्लिक कर देना, तो यहां पर हमारी डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लास भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सारा कॉन्टेंट ओ लेवल गुरुजी चैनल पर है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। विद सॉल्यूशन मैंने यहां पर सब कुछ प्रोवाइड कराया है, तो आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट हो गई होंगी, अब तो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। यहां पर कॉपी कैसे लिखनी है ये बता दिया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा ही दिया है, ठीक है। तो ये स्पेशल वीडियो था आप लोगों के लिए कि कैसा पेपर आता है, कैसा क्या आता है। याद रखिएगा 10 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और एक अपडेट और देना मैं चाहता हूं आप लोगों को। आपको पता है कि आप लोगों के इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन लास्ट के दो चैप्टर मैंने आप लोगों के स्किप करके रखे थे, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरी था। तो अब आप लोगों को जो क्लास मिलेगी कल, वो आप लोगों को मिलेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। जो आप लोगों का चैप्टर हमने स्किप किए थे, लास्ट के दो चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर, उसकी पहले आपको क्लास मिलेगी, जो कि कल शाम के 6:30 बजे अपलोड होगी आप लोगों के लिए, ओके। और बाकी आपकी कंटिन्यू फिर 10 तारीख से आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यह एक स्पेशल वीडियो था, काफी स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे तैयारी के लिए। तो अब आपको कहीं नहीं जाना है, ओ लेवल गुरु जी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। और इस वीडियो से स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि काफी लोग प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो अब बेनिफिट है, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। और प्रैक्टिकल से पहले ही मैं तो आपसे बोलूंगा, अगर आप लोगों को एग्जाम के लिए कॉन्टेंट लेना वो परचेस कर लीजिए, प्रैक्टिकल का कॉन्टेंट लेना तो प्रैक्टिकल का कॉन्टेंट ले लीजिए, स्पेशल डिस्काउंट भी अभी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉस्टली हो जाएगा, 3-4 स्टूडेंट के ऑलरेडी यहाँ पे परचेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, आप लोग वीडियो कैसे लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।